मैं अगली बड़ी खबर का रुख कर रही हूँ। उत्तर प्रदेश में डीजीपी चयन से जुड़ी जानकारी सामने आई है। डीजीपी के लिए अब यूपीएससी को नाम नहीं भेजना पड़ेगा। यूपी सरकार खुद डीजीपी का चयन करेगी। योगी कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। यूपी में डीजीपी चयन से जुड़ी ये बड़ी खबर है। यूपी सरकार डीजीपी का चयन खुद कर सकेगी। यूपीएससी को अब नाम नहीं भेजने पड़ेंगे। योगी कैबिनेट में यह फैसला ले लिया गया है। हालांकि आपको बता दें, इसको लेकर सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। अखिलेश यादव जो हैं, वो योगी सरकार के इस फैसले पर चुटकी भी ले रहे हैं और कहीं ना कहीं राज्य और केंद्रीय बीजेपी के बीच के जो डिफरेंसेस हैं उसको हवाला देकर वो निशाना साधने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल यूपी में डीजीपी चयन से जुड़ी बड़ी खबर यही, योगी सरकार ने फैसला ले लिया है। डीजीपी के लिए यूपीएससी को नाम नहीं भेजना होगा। यूपी सरकार खुद डीजीपी का चयन करेगी। योगी सरकार के फैसले पर जो मंत्री हैं सुरेश खन्ना, उनका बयान सामने आया, कह रहे हैं सही समय पर सही फैसला लिया गया है। समय रहते प्रस्ताव आया, इससे कानून का राज स्थापित होगा। यूपी में पूर्णकालिक डीजीपी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ योगी सरकार के सबसे वरिष्ठतम मंत्री सुरेश खन्ना जी हमारे साथ हैं। सुरेश जी, जिस तरीके से पूर्णकालिक डीजीपी का अभाव यूपी में चल रहा था, अब नई नियुक्ति होगी, पूर्णकालिक डीजीपी होगा, इसे कैसे देखते हैं? कल उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पास करके इस विषय पर, जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी का विशेष रूप से कानून का राज स्थापित करने का, जो शुरू से अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात करने का जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य में मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा आवश्यकता इस बात की थी कि हमारे पास पूर्णकालिक एक सुयोग्य डीजीपी हो, जो प्रदेश की जनभावनाओं का भी सम्मान कर सके और प्रदेश की कानून व्यवस्था को भी, पुलिस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रख सके। उसी उद्देश्य से ये प्रस्ताव लाया गया था। अभी तक जो स्थिति थी वो संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से हम इसका चयन करते थे, जो अपने आप में काफ़ी देरी भी थी होती थी उससे, और जो व्यक्ति पूरी तरीके से जनभावनाओं के अनुरूप काम कर सके इसमें भी कहीं ना कहीं चूक होती थी। इसलिए मैं समझता हूँ कि अपने आप में ये प्रस्ताव समय रहते हुए जो आया है वो उचित है और इससे प्रदेश की कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने में सफलता मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने योगी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा दिए। डीजीपी को लेकर जो फैसला लिया गया है उस पर अखिलेश यादव सवाल पूछ रहे हैं कि अब व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे। दरअसल योगी कैबिनेट ने फैसला लिया, उत्तर प्रदेश में डीजीपी पद की नियुक्ति सरकार की तरफ से गठित कमेटी करेगी। इसके लिए अब यूपीएससी को नाम नहीं भेजने होंगे और इसी फैसले पर अब राजनीति तेज हो गई है। सुना है किसी बड़े पुलिस अधिकारी को स्थायी पद देने और उसका कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। ये कहते हुए निशाना योगी सरकार पर साधा अखिलेश यादव ने। आगे लिख रहे हैं, सवाल ये, व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं? कहीं ये दिल्ली के हाथ से लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश तो नहीं है? देखिए किस तरीके से केंद्र और राज्य बीजेपी नेतृत्व के बीच एक तरीके से ये लड़ाई लड़ाने की कोशिश अखिलेश यादव की उनके इस सोशल मीडिया पर किए पोस्ट के जरिए नजर आती है। तो ये योगी सरकार ने जो फैसला लिया है कि सरकार कमेटी गठित करेगी और वो डीजीपी के नाम पर मोहर लगाएगी, इससे पहले डीजीपी का चयन कैसे होता था, नियम क्या था, जरा ये बता देते हैं आपको सिलसिलेवार तरीके से। उत्तर प्रदेश में डीजीपी की नियुक्ति यूपीएससी का पैनल करता था। राज्य के जो वरिष्ठ अधिकारियों के नाम है वो यूपीएससी पैनल को भेजे जाते थे। डीजीपी के लिए पुलिस सेवा में 30 साल पूरा करना जरूरी था और वो जो यूपीएससी वाला पैनल था वो फैसला लेता था। इसके अलावा वरिष्ठता और बेदाग छवि जैसी अनिवार्यताएं थी। वो जो नाम भेजे जाते थे, यूपीएससी 3 नामों का चयन कर सरकार को वापस भेज देता था और 3 नामों में से सरकार एक अधिकारी का डीजीपी के लिए चयन करती थी। तो ये जो पूरा प्रोसेस था, अब इसमें से योगी कैबिनेट की तरफ से फैसला ले लिया गया है, यूपीएससी के को नहीं भेजना होगा, अब पैनल नाम सिलेक्ट करने के लिए खुद सरकार ही ये कर लेगी। और समाजवादी पार्टी की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, क्या कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर, सुनाते हैं आपको।
उदयवीर जी, यूपी को अब पूर्णकालिक डीजीपी मिलने जा रहा है। पूर्णकालिक डीजीपी नहीं दे पा रहे थे इतने दिन से, खबर ये होनी चाहिए। कितने दिन से नहीं दे पा रहे थे, केंद्र सरकार से अपने मनपसंद डीजीपी की हामी नहीं भरवा पा रहे थे। अब ये तय कर लिया कि केंद्र सरकार के लोग हमारी बात नहीं समझेंगे, इसलिए हम आत्मनिर्भर हो गई उत्तर प्रदेश की सरकार, और उसने एक निर्णय कर लिया कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं उनको किनारे करके हम खुद अपनी मर्जी का, अपना हमराज, अपने अच्छे बुरे में साथ रहने वाले डीजीपी को चुनेंगे, पुलिस का और राजनीतिकरण करने की कोशिश करेंगे। और ये निर्णय इस देश के लोकतंत्र और संविधान के लिए एक खतरनाक है, खतरे की घंटी है। तो इससे तो कानून व्यवस्था और मजबूत होगी, ऐसा भाजपा का दावा है। ये भाजपा का दावा नहीं होगा, ये उत्तर प्रदेश सरकार का दावा होगा। दिल्ली में भी तो भाजपा है। अगर आपको कोई अमुक व्यक्ति को सेलेक्ट कराना है, पसंद है, तो दिल्ली की सरकार से उत्तर प्रदेश की सरकार क्यों नहीं करा पा रही? दोनों एक ही पार्टी के हैं, मोदी योगी साथ साथ हैं। योगी जी के लिए केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय प्रधानमंत्री, दिल्ली के प्रदेश के प्रधानमंत्री से ज़्यादा महत्वपूर्ण एक पुराना रिटायर्ड अधिकारी सलाहकार और एक पुराना ACS होम जो दोबारा से बनने के लिए परेशान है, ये लोग महत्वपूर्ण हो गए। इसलिए केंद्र सरकार से अपनी बात नहीं समझ पा रहे और अपने आप अपना निर्णय लेना चाहते हैं। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दो दो हाथ करने को तैयार हैं, यानी लगाम अपने हाथ में लेने को तैयार हैं योगी आदित्यनाथ केंद्र से। और इसका क्या मतलब हुआ? जब एक दल होता है, हायरार्की होती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो या तो अपनी बात समझा ली जाती है या जो बहुमत की या बड़े की राय है वो मान ली जाती है। ये निर्णय उत्तर प्रदेश के एक भाजपा शासित राज्यों के एक राज्य द्वारा, ये बताता है कि केंद्र के साथ वो एक दूसरे को फूटी आँख देखना नहीं चाहते। आपको नहीं लगता इससे यूपी की कानून व्यवस्था और मजबूत होगी? कानून व्यवस्था से कोई इसका मतलब नहीं है, ये मनमर्जी मजबूत होगी। क्योंकि जो नियम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद बने हैं और जिसमें कई केंद्रीय और प्रदेश की एजेंसियां इन्वॉल्व करके निर्णय चुना जा रहा था, यदि उससे इतर अपनी मनमर्जी से DGP बनाया जाता है तो मनमर्जी से कभी कानून व्यवस्था नहीं सुधरती। कानून व्यवस्था व्यवस्था सुधारने से बनती है, कानून का पालन करने से सुधरती है, नियमों को मानने से सुधरती है। आप एक आदमी को योगी आदित्यनाथ अगर नियम विरुद्ध पुलिस से द्वारा अत्याचार उत्पीड़न कराएंगे तो वो पुलिस वाले भी आज़ाद हो जाएंगे, वो अपनी मनमर्जी से 10 और करेंगे, और वही उसी आग में उत्तर प्रदेश जल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।